हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सर। नमस्कार। मैंने 6-7 वीडियो आज एक साथ शूट कर लिए हैं सेम ही यूनिफॉर्म के अंदर, तो फिर मज़ेदार हो रहा है। कुछ वीडियोज़ आज मिल जाएंगे, कुछ वीडियोज़ कल मिल जाएंगे, कुछ परसों मिल जाएंगे, पर मेरे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए थे दिमाग के अंदर, तो मैंने सोचा एक साथ ही मैं शूट कर लेता हूँ। और फिर शूट क्या कर लेता हूँ, जनरली स्क्रिप्ट वगैरह तो कुछ होती नहीं है मेरे पास, फटाफट से डाल देता हूँ। तो 2023 में मुझे जो भी अच्छी मूवीज़ लगी, वर्स्ट लगी, एक्टर्स अच्छे लगे, उसके मैंने करीबन 10 वीडियोज़ डाले थे। कॉमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग सी लिस्ट है, अनयूजुअल है, कोई फॉर्मूला किसी को प्लीज करने की कोशिश नहीं करती है। बड़ा इंडिपेंडेंट यहां पर दिमाग लगाया गया है, और जिन लोगों ने भी अभी तक देखी है सबको अच्छी लग रही है वो लिस्ट। एक लिस्ट मैंने अभी तक नहीं बनाई थी, जो कि था बेस्ट और वर्स्ट विलन ऑफ 2023। मुझे ऐसा लगता है कुछ सिग्निफिकेंट मूवीज थी जहां पर जो विलन हैं वहां पर अच्छा कुछ काम किया, कुछ बुरा काम किया, उसके रीजन क्या है वो थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेशन करते हैं। तो 10 नाम है, कुछ रैंडमली ऊपर नीचे, कोई इसका सीक्वेंस नहीं है। तो आदि पुरुष के अंदर आपने सैफ अली खान को देखा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आदि पुरुष जहां पर डब्बा गोल मूवी हो गई बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बट जिस जिस सीन के अंदर सैफ अली खान आया वो बिल्कुल ही कैरेक्टर ऑफ रावण के अंदर चला गया। अब उसको जैसा भी ट्रीट किया गया, कार्टूनिस्ट ट्रीट किया गया, हेयर कट अजीब था, लेकिन जो एक्टिंग का प्रोवेस होता है, एक्सप्रेशन होता है, टॉकिंग टू हिमसेल्फ, टॉकिंग टू डिफरेंट हेड्स, उसके 10 सर थे आपस में बात कर रहे थे, जितने भी सीन मैंने देखे मुझे ऐसा लगा कि एक कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जिनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे, बस सीधे ही खड़े हुए हैं और कुछ बोल के निकल लिए हैं। और यहाँ पर प्लेथोरा ऑफ बहुत सारे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, और आप चाहोगे कि ये स्क्रीन पे और रहे, तो जब आप चाहते हो कि ये इंसान स्क्रीन पे और रहे तो वो एक विन हो जाता है। तो ये गुड और बेस्ट विलन्स के नाम में मैं सैफ अली खान को डालूंगा। उसके बाद चलते हैं किसी के भाई किसी की जान के अंदर। इसके अंदर मेरे ख्याल से दुनिया का बेस्ट कह रहा हूँ वर्स्ट विलन था वीरेंद्र जो बॉक्सर साहब हैं। अभी आपस में वैसे तो बॉक्सर हैं, बहुत सारे मेडल इंडिया के लिए लेके आए हैं, उसके लिए तो खैर इनको सल्यूट है, बट मूवी के अंदर ना तो इनसे एक्टिंग हुई और ना एक स्ट्रॉन्ग हीरो के सामने कुछ है कि ये ढंग का कुछ कर पाए। अब जो ऑरा ऑफ सलमान खान है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके आगे वैसे भी कोई टिक नहीं पाता, और एक अननोन एक्टर जिससे एक्टिंग भी नहीं हो पा रही है, तो बिल्कुल ही टाइम टाइम फिश हो गया। सो इट वॉज नॉट जस्ट बैड, इट वॉज एक्चुअली वेरी बैड। ऐसे ही वेरी बैड वाला सिनेरियो एक्चुअली ये अर्जुन रामपाल के साथ भी हुआ, जब वो विलन बन के आया वीरा सिम्हा रेड्डी के साथ। अब इसके अंदर जो हीरो हैं वो भी कलाबाजियाँ ऐसी खाते हैं, बचपन से ही खाते जा रहे हैं, अब 70 साल के ऑलमोस्ट होने वाले हैं लेकिन अभी भी कलाबाजियाँ ही खा रहे हैं। और नंदामूरी बालाकृष्ण साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ये जो इनके एक्टिंग का प्रोवेस है, बहुत ही स्ट्रेट फेस से सब डायलॉग्स थे, इनके अंदर वेरिएशन लाने का बहुत स्कोप था लेकिन बहुत ही फ्लैट तरीके से इन्होंने डिलीवर कर दिया। बहुत स्कोप था अपना एक स्केयर क्रिएट करने का, बट नहीं हो पाया यहाँ पर। हाँ, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 4th नंबर पे मैंने रखा है, जहाँ पर जया बच्चन जी से आपको कहीं ना कहीं उनकी थॉट प्रोसेस से, उनकी मेंटालिटी से, उनके सोच विचारधारा से आपको कहीं ना कहीं नफरत होती है, जो एक विन होती है एक्टर के लिए। तो इनकी जो एक्टिंग थी मैं गुड कैटेगरी के अंदर डालता हूँ। और उसके बाद हम चलते हैं 5वें नंबर के अंदर, जो कि मैं एक्सेलेंट कैटेगरी में डालता हूँ, वो है एनिमल का बॉबी देओल अबरार हक। इसके एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको क्या दूँ, आपके पास 25 पॉइंट खुद ही होंगे कि 2 सीन के अंदर आना, उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज, ब्रीदिंग, एक्शन और कई कुछ कर जाना, और इतना ज़्यादा कर जाना कि आप बोलोगे यार मुझे नहीं पता, मुझे हीरो कम देखना, मुझे विलन ज़्यादा देखना। तो अबरार हक एज बॉबी देओल वॉज ब्रिलियंट, एंड पीपल वॉन्ट हिम इन एनिमल पार्क एंड एनिमल 3, जो कि इवेंचुअली आएगी कभी ना कभी। तो ये जो सारी विन्स होती हैं, एक एक्टर होता है जिसको बोला जाता है कि यार देख भाई, तेरे को स्क्रीन के आगे खड़ा कर दिया, तेरे को डायरेक्टर साहब ने बता दिया ये डिलीवर कर, अब तू अपना क्या ला सकता है। तो जो अच्छे एक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर डिलीवर कर जाते हैं। बहुत से लोगों को बॉबी देओल का एक्टिंग का नहीं पता है, क्योंकि आज की जनरेशन के हिसाब से मैं उस जनरेशन का हूं जब इसने लॉन्च हुआ था, स्कूल में था हालांकि मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। अब उसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, हंस सकते हैं, कुछ शाहरुख खान का नारा लगा सकते हैं, कोई किसी और का नारा लगा सकते हैं, मेरी नज़र के अंदर ही इज़ अ वेल अकम्प्लिश्ड एक्टर। हर एक अपना अपना हो सकता है, मतलब इसमें कोई डिबेट नहीं होती, इसमें बस नाम होते हैं, जी मेरे को ये अच्छा लगा तो जी अच्छा लगा, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इसके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। टाइगर 3 में इमरान हाशमी के बारे में भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन द प्रॉब्लम विद टाइगर 3 इज़ द सेम एज जैसे मैंने आपको बताया किसी का भाई किसी की जान। अब भाई जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो टाइगर है और वो लीनियज लेके आया है पूरी स्पाईगिरी की यशराज के अंदर। उसको इस तरीके के जो विलन्स है ना वो जमेंगे नहीं, उसको विलन चाहिए थे जो पठान वाले जिम से भी ज्यादा स्ट्रांग हो, तब जाके पता चलेगा कि टाइगर इसको झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। अदरवाइज टाइगर ऐसा लगता है सबको झेल ही लेगा, अभी तक तो मैं मजाक कर रहा था तो 2 मुक्के मार के चले जा, अल्टीमेटली तो मैंने ऐसा मुक्का मारना जो पेट में छेद हो जाएगा। तो ये जो
कैरेक्टर जब बना देते हो ना, अब इतने ज़्यादा स्ट्रांग, जब आपने एक हल्क ही बना दिया, तो अब हल्क बना के अब उसको कैसे मरवाओगे? तो उसके लिए आपको कोई सुपर हल्क बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा उसका वनलेबिलिटी बनानी पड़ेगी। जैसे सुपरमैन को वो क्या डाल देते हैं, क्रिप्टोनाइट डाल देते हैं, तो बेचारे की हालत टाइट हो जाती है। तो वो क्रिप्टोनाइट क्या है वो डिफाइन नहीं कर पाए हैं यहाँ पर मेरे ख्याल से इमरान हाशमी। और एक्टिंग वाइज भी मैं बोलूँ कि थोड़ा 19 ही था मामला। स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब कंपैरिजन आ जाता है तो उसमें वो शॉट रहे, जो मुक्के उक्के भी मारे एंड में, सिक्स पैक भी दिखाए, जो कुछ भी है, लेकिन वो जमा नहीं मामला। ऐसे गदर 2 के अंदर अगर हम बात करें, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर मनीष वाधवा थे, हमीद इकबाल, आपको लगा कि अच्छा चलो अगर एक मिनट के लिए मैं ये अज्यूम करूँ कि द ग्रेट अमरीश पुरी जी नहीं है तो कौन होते गदर 2 के अंदर, तो बोले कि हाँ मनीष वाधवा हैज़ डन फुल जस्टिस। वैसा ही पागल, वैसा ही क्रोधी, वैसा ही एंटी इंडिया टाइप का जो गंदा कैरेक्टर है जिसको देख के घिन आए, वो जो घिन आने का मतलब है कि उसने अपना रोल ढंग से कर दिया। तो ये मैं गुड की कैटेगरी के अंदर डालूंगा। हालांकि इसको और खूंखार बनाया जा सकता था और ब्रूटल बनाया जा सकता था, मूवी के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी फ्लॉज भी थे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सनी देओल की एक्टिंग की वजह से, ऑरा की वजह से चल गई। 8वें नंबर पे मैंने रखी है पठान। पठान के अंदर मेरे ख्याल से ये भी एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल के अंदर आता है, जिम जॉन इब्राहिम के साथ। अब जॉन इब्राहिम का जिम जो है वो काफ़ी एक स्ट्रांग कैरेक्टर है, वो एकम्प्लिस्ड एक एजेंट भी रहा हुआ है, और वो एक अच्छी खासी टफ फाइट एंड तक दे देता है पठान को, और एक सस्पेंस में मरा है कि मरा भी है कि नहीं मरा है, एंड पीपल वॉन्ट मोर ऑफ हिम, एंड पीपल वॉन्ट मे बी अ स्पिन ऑफ ऑफ जिम। जब पीपल डिमांड अ कैरेक्टर टू कम बैक, तो उसको फिर मुझे भी समझाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाते हैं कि ये कितना ज़्यादा ज़बरदस्त लवेबल कैरेक्टर है, इसको लाना चाहिए। अच्छी चीज़ इसके अंदर और अबरार के अंदर का जो कैरेक्टर था बॉबी देओल के अंदर, ये था कि इनकी खुद की भी वनरेबिलिटी थी, ये अच्छे से बुरे वाले ट्रांसफॉर्मेशन में थे, तो आपके पास एक होप होती है क्या ये अच्छा जो बुरा बना है वापस अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रूटल और कैरेक्टर तो बड़ा अच्छा है। तो ये जो टॉस होता है एक व्यूअर के दिमाग के अंदर, अनसर्टेनिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। आपने देखा होगा कि अभी अभी ऑफ लेटली एक्वामैन 2 आई थी, हालांकि ऐसी सी मूवी थी, उसके अंदर जो उसका सौतेला भाई होता है एक्वामैन के साथ टीम अप कर लेता है, तो आपको एक अनसर्टेनिटी रहती है, या फिर आपको लोकी को लेके अनसर्टेनिटी रहती है क्या ये अच्छा है बुरा, अच्छा है बुरा है। तो उस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं उनको अगर यूटिलाइज किया जाए कि जिम नेक्स्ट मूवी में आए और आप हमेशा कॉन्टम्पलेट ही करते रहो कि अच्छा है कि बुरा है, या फिर बॉबी देओल का कोई कैरेक्टर है कि जी मरा नहीं था या फेस कुछ चेंज करा हुआ था, कुछ करा हुआ था, अब ये साला अच्छा है कि बुरा, एंड में कुछ साला बैक स्टैबिंग ही ना कर दे, तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होते हैं। तो दोनों को मैंने एक्सीलेंट कैटेगरी में डाला है, मैं दोनों को ही नंबर 1 पर डाल रहा हूँ, मैं दोनों को अलग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टॉसअप हो जाएगा कि ये ज्यादा अच्छा था कि वो ज्यादा अच्छा था, मेरे को लगता है दोनों ही काफी इंप्रेसिव थे। 9th नंबर में मेरा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, विजय सेतुपति इज अ गुड आर्टिस्ट, लेकिन जवान के अंदर उसको ढंग से यूटिलाइज किया नहीं गया। यहां पर इट इज ऑल ओवर SRK, चाहे वो छोटा जवान चाहे वो बड़ा जवान। विजय सेतुपति वॉज अ कैरिकेचरिश विलन जो कि किसी भी मूवी में आपको दिखता है, ही कुड हैव एडेड हिज ओन फ्लेवर, वो ओकेश रहा। तो मैं इसको बैड तो नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली, बट इट्स अ ओकेश जॉब। तो ओकेश का बेस्ट और वर्स्ट मेरा टाइटल है, लेकिन इसके अंदर ये बीच में कहीं बेचारे रह गए, इन्होंने ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला। मैंने देखा है कि कुछ विजय सेतुपति की मूवीज़ हैं जो काफ़ी ऑर्डिनरी हो जाती हैं, जैसे DSP एक मूवी आई थी उनकी हिंदी वर्जन, मेरे ख्याल से वो इंडिया की सबसे ख़राब मूवी है, और विजय सेतुपति ने क्यों साइन करी मुझे आज तक समझ में नहीं आया, और उनके फैंस को किस तरीके से अच्छे लग रही है मुझे ये भी समझ में नहीं आया आज तक, देखना ज़रूर, इट्स अ हॉरिबल मूवी DSP, इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ वॉट यू शुड नॉट बी डूइंग इन अ मूवी। तो बहुत ही खराब एक्टिंग, बहुत ही खराब सब कुछ, बिल्कुल लथार्जिक तरीके से। एक होता है लेजी एलिगेंस विच इज लाइक अजय देवगन, एक होता है लेजी पड़े हुए, वैसा कुछ फीलिंग आई मुझे जवान के अंदर जो कि नहीं आनी चाहिए थी। ऐसा ही मुझे लगा कि जब आपके पास बहुत स्ट्रांग हीरो होता है आपको बहुत स्ट्रांग विलन चाहिए होता है, तो पोस्टर आया संजय दत्त इन लियो, यार अब क्या करेगा यार विजय सेतुपति, अब तो अभिजीत थलापति क्या करेगा, ये तो द फाइट हो गया, संजय दत्त को कौन मारेगा, ठीक है। जैसे अब गदर में आप बोलो यार ये सनी देओल को कौन मारेगा, तो ये जो कुछ कैरेक्टर्स होते इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, बट संजय दत्त का वो जो ऑरा बन सकता था, जो वो स्केयर क्रिएट कर सकता था, वो हाफ कुक्ड रह गया। एक आधा शॉट बहुत अच्छा था जिसके अंदर वो मार्केट के अंदर अपनी सो कॉल्ड फैमिली को बचाने की कोशिश करता है, वो भी ब्रूटल रीज़न की वजह से, लेकिन एंड ऑफ इट जब एंड होता होता है तो एक ऑर्डिनरी रीज़न रहता है लियो की होल स्टोरी का, और संजय दत्त वॉज नॉट फुली यूटिलाइज्ड। आई थिंक ही इज़ फार मोर, आई वुड से ही इज़ अनबीटेबल शॉट्स, उसको बहुत ईजिली उसको निपटा दिया यहाँ पर, जो थोड़ा सा बॉबी देओल के कैरेक्टर के साथ भी किया कि इतना हाइप बनाने के बाद
टक करके गर्दन काट के निकल लिए जी, ऐसा नहीं होता। मतलब दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर विल गिव अ फाइट, वो उसका एक हाथ कट भी जाएगा तो एक हाथ भी मारने को दौड़ेगा वैसा कैरेक्टर है वो। तो उस तरीके से थोड़ा सा दिखाना था, जो हल्की फुल्की मुझे कमियाँ लगी। बाकी आप इस लिस्ट से एग्री करते हो डिसएग्री करते हो जरूर सभ्यता के दायरे में, ज़रूर अपना नीचे कॉमेंट करना, और अगर आपको लिस्ट में कोई ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सभ्यता के दायरे में ज़रूर करना। वैसे मैं काफ़ी सारे लोगों को कॉमेंट कर देता था, लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया कि जो भी ऐसे बदतमीजी वाले जो होंगे, क्वेश्चनिंग वाले ज़बरदस्ती के होंगे, उसे ज़रा माहौल जो होता है वो स्पॉइल हो जाता है। तो मैं अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करूंगा, क्योंकि मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं मैं उसको डिलीट कर दूंगा, मैं बहुत रिप्लाई करने में लग जाता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। बाय बाय।